एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए क्रिकेट की दुनिया की ताजा तरीन खबरें क्रिक गर्ल पर। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि आज के मैच में क्या कुछ खासम खास रहा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले जा रहे 3 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को 80 रनों से करारी हार झेलनी पड़ी। टीम इंडिया इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और भारतीय टीम इस विशाल लक्ष्य के सामने बेबस नजर आई और शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। जी हाँ, टॉस जीतकर के कप्तान रोहित का गेंदबाजी का फैसला गलत साबित हुआ और न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 219 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया, जिसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर गई और इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। इस मुकाबले में बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टीम साइफर्ट ने 43 गेंदों में 84 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 7 चौके और 6 छक्के लगाए। शानदार पारी खेलने के कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि न्यूजीलैंड टीम की शुरुआत काफी शानदार रही। कॉलिन मुनरो और टीम साइफर्ट की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 86 रनों की साझेदारी की। कॉलिन मुनरो 20 गेंदों में 34 रन बना करके आउट हुए और टीम साइफर्ट ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 6 चौके और 7 छक्कों की मदद से 84 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके बाद में कप्तान केन विलियमसन ने 22 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 34 रन बनाए और आखिरी में रोज टेलर ने 14 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 23 रन की पारी खेली। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 51 रन देकर के सर्वाधिक 2 विकेट लिए। बाकी सभी 4 गेंदबाजों को एक एक सफलता हाथ लगी। सभी भारतीय गेंदबाज महंगे साबित हुए और मेजबान पहले ओवर से ही टीम इंडिया के बॉलिंग अटैक पर टूट पड़ी। इसी बीच कॉलिन मुनरो ने एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज दुनिया के एक नंबर के बल्लेबाज बन गए, जो कि हर 4 से कम गेंद में एक बाउंड्री मारते हैं। कॉलिन मुनरो ने साल 2017 के बाद हर 3.9 गेंदों में एक बाउंड्री लगाई है। उनके बाद अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी हर 4.0 गेंद में एक बाउंड्री लगाते हैं। भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे बड़ी साझेदारी करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में कॉलिन मुनरो और टिम सेफोर्ड नंबर 2 पर आ गए हैं। उन्होंने इस मामले में जेसी राइडर और ब्रेंडन मैकुलम की जोड़ी को भी पीछे छोड़ दिया है। धुआंधार बल्लेबाजी के लिए मशहूर मुनरो न्यूजीलैंड की तरफ से T20 क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाले 4थे बल्लेबाज बन गए। विकेट कीपर बल्लेबाज टिम सेफोर्ड ने इस मैच में 84 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान टिम सेफर्ट ने 6 छक्के लगाए और इसी के साथ भारत के खिलाफ T20 क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। टिम इसी के साथ भारत के खिलाफ T20 क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं। टीम इंडिया की बात की जाए तो धवन, विजय शंकर और धोनी के अलावा कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। शुरुआत काफी खराब रही और हिटमैन रोहित शर्मा का विकेट जल्दी मिल गया। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए विजय शंकर ने हाथ खोले और कुछ शानदार शॉट्स लगाए, लेकिन वो भी इस हार को टाल नहीं सके। निराश किया दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत ने, जिनसे टीम और मैनेजमेंट दोनों को काफी उम्मीदें थी। निचले क्रम में धोनी ने सबसे ज्यादा 39 रनों का योगदान दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी टीम 149 के कुल योग पर आउट हो गई और इस तरीके से 80 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, इस मैच के हारने से टीम इंडिया अब सीरीज में 0-1 से पीछे हो गई है। आने वाले मैचेस में वापसी करके टीम इंडिया को जीत हासिल करनी होगी। वैसे आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में और स्ट्रेटेजी के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर के अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।